नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। समन्वय समिति के सभी विद्यालय करेंगे आदेश का पालन, अगले आदेश तक स्थगित रहेगा पठन पाठन। छात्रों सहित अन्य लोगों को करेंगे जागरूक, गढ़वा जिला पब्लिक स्कूल समन्वय समिति की आज एक महत्वपूर्ण बैठक RKBS बीएड कॉलेज के सभागार में समिति के अध्यक्ष अलकनाथ पांडे की अध्यक्षता में हुई। कोरोना वायरस से फैल रहे खतरों से निपटने और लोगों को जागरूक करने हेतु इस पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही साथ सरकारी आदेश जिसमें 14 अप्रैल तक विद्यालय बंद करने का आदेश है का अक्षरश पालन करने का निर्णय भी लिया गया। समिति के अध्यक्ष श्री पांडे ने कहा कि विद्यालयों में परीक्षाएं पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार चलेंगे। इस बीच कार्यालय खुले रहेंगे और शिक्षक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। परीक्षा फल बच्चों के अभिभावक विद्यालय से लेंगे। साथ ही विद्यालय में नए सत्र के लिए नामांकन एवं अन्य कार्यालय संबंधित कार्य पूर्ववत चलते रहेंगे। समन्वय समिति के सचिव MP केसरी ने कहा कि आज जिला पब्लिक स्कूल समन्वय समिति की बैठक की गई, जिसमें कोरोना वायरस के जो फैल रहा है पूरे विश्व में जो चर्चा है, जो हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री भी इस पर काफ़ी हैं, गंभीर हैं। और इसके तहत हम लोग 14 अप्रैल तक स्कूल को बंद करने जा रहे हैं और उसमें पूर्व निर्धारित जो परीक्षाएं हैं उसको ले लेने की बात कही गई, सरकार की ओर से भी आदेश है, और उसको बहुत जल्दी ले करके स्कूल को बंद कर दें। साथ ही स्कूल में शिक्षक के द्वारा मूल्यांकन का कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा, सारे शिक्षक अपने कार्य को बनाए रखेंगे तथा जो स्कूल के संबंधी जो कार्य हैं वो संपादित होते रहेंगे। पेरेंट्स से आग्रह है कि वे बच्चों को ऐसे भीड़भाड़ जगहों से बचाएं। स्कूल में परीक्षा फल के लिए टुकड़े टुकड़े में आएंगे, एक साथ आने की दरकार नहीं है। बच्चों को न लाएंगे, केवल अपने आकर के परीक्षा फल को प्राप्त कर लें और यहाँ से जो निर्धारित मापदंड होगा, जो उनके होमवर्क होंगे, उन्हें लेकर के बच्चों को घर पर भी स्टडी के लिए तैयार करें। मैं आग्रह करूँगा सभी अपने पेरेंट्स से, शिक्षाविदों से और यहाँ से नागरिकों से कि सरकार द्वारा जो जारी किए गए सुझाव है, जो सहयोग है, हम लोग करें और कोरोना वायरस से दूर रहें। धन्यवाद। कोरोना वायरस आज अंतर्राष्ट्रीय महामारी का रूप ले लिया है, जिससे बचना और दूसरों को बचाना सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। ऐसे में भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। सरकार का विद्यालय बंद करने का जो आदेश है वह उचित है, समय पर लिया गया अच्छा फैसला है, इसका पालन सभी विद्यालय करेंगे। मौके पर समिति के कोषाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष सुशील केसरी, सिस्टर रोशना, संजय सोनी, प्रदीप दुबे, संजय कुमार, अमित सिंह, चंद्रभूषण सिन्हा आदि उपस्थित थे। धन्यवाद।